फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिफरेंस देखेंगे कि एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट में, कि आखिर क्यों अमीर और ज्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब और भी ज्यादा गरीब, या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अमीर लोग करते हैं जिनसे उनके पास में पैसा बढ़ता ही चला जाता है, और गरीब या मिडिल क्लास ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जो उसे कभी अमीर नहीं बनने देती। अगर आप भी गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी है। इस वीडियो के एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यह वीडियो आपको दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देगी। यह वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो अमीरी की रेस में आप एक नहीं बल्कि 400 कदम आगे बढ़ जाओगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब ऑथर स्टीव सी बोल्ड अपने कॉलेज में थे तो वो बहुत ही गरीब थे और अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए भी उन्हें पार्ट टाइम काम करना पड़ता था। वे अक्सर सोचते रहते थे कि आखिर हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वे कई अमीर लोगों से मिले और अमीर लोगों के सेमिनार भी अटेंड किए, अमीर लोगों की सोच को गरीबों की सोच से कंपेयर भी किया। फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि वह लाइफ के 26 साल तक गरीबों की तरह सोचते थे, और जब उन्होंने अपनी सोच को बदला तो पैसे भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे और अपनी सोच बदलने के कारण एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद वो बिलियनेयर बन गए। फ्रेंड्स, अगर हम भी अमीरों की तरह सोचने लग जाएं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हम भी बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। ऑथर स्टीव सी बोर्ड ने उन सभी आइडियाज को लेकर एक बुक लिखी जिसका नाम है हाउ रिच पीपल थिंक। आज इसी बुक के 6 सबसे अच्छे लेसन बताने वाला हूँ और आपको यह लेसन अमीरों की तरह सोचने पर मजबूर कर देंगे। लेसन नंबर 1 है, मनी इज मेड बाय आइडियाज। ऑथर कहते हैं कि मिडिल क्लास या गरीब लोगों का मानना होता है कि पैसा सिर्फ बैंक से ही बनता है, मतलब हम जिस भी चीज में अधिक टाइम देंगे उतना ही पैसा हम कमाएंगे, यानी हम अपनी जॉब में जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ही पैसा हमें मिलेगा। लेकिन अमीर लोगों की ये सोच होती है कि पैसा एक अच्छे आइडियाज से बनता है, उसका टाइम से कुछ लेना देना नहीं है। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग उबर आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जो कि आज लगभग 70 देशों में 10,500 सिटीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अगर इसके टोटल रिवेन्यू की बात की जाए तो साल 2023 के अकॉर्डिंग 35 बिलियन US डॉलर है, जिसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 29,000 करोड़ रुपए बनते हैं। इस अमेजिंग रिजल्ट के पीछे उबर के फाउंडर ट्रेविस काला की मेहनत है। आप लोगों ने देखा होगा कि उबर से पहले कई सारी टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, पर उन्होंने कभी भी लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम को नहीं समझा, जैसे कि टैक्सी मिलना कितना मुश्किल होता था और लोगों की वैल्यूएबल टाइम भी टैक्सी के वेट करने में निकल जाता था। और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ट्रेविस को आइडियाज आया कि वो क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करें जिससे लोगों की टाइमिंग वेस्ट ना हो और वो बहुत ही आसानी से अपने लिए एक टैक्सी बुक कर ले। और उसी आइडियाज की वजह से ट्रेविस आज एक सक्सेसफुल और बिलियनर डॉलर की कंपनी के मालिक है। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एक आइडिया से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जिससे आप भी बिलियनर बन सकते हो, जबकि मिडिल क्लास लोग फुल टाइम जॉब करते हैं और कभी कभी ज्यादा पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम भी कर लेते हैं, परंतु फिर भी वह अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उसकी थिंकिंग ही गलत है कि टाइमिंग को बेचकर पैसा कमाया जाता है। जबकि एक अमीर आदमी एक आइडियाज पर काम करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है और अपनी सोच के कारण बहुत ही जल्दी अमीर बन जाता है। लेसन नंबर 2, स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ऑथर कहते हैं कि गरीब या मिडिल क्लास लोगों का गरीबी में रहने का सबसे बड़ा कारण होता है स्पेंडिंग। यह लोग अपनी हैसियत से ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं। अगर इनकी सैलरी मंथली 20,000 होगी तो इनके खर्चे 25,000 होंगे। यह तो वही बात हो गई, आमदनी 58 खर्चा रुपया, पर असल में देखा जाए तो वो इतना भी ज्यादा खर्चा नहीं करते। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी इनकम ही इतनी कम होती है कि अगर किसी मंथ उन्होंने कोई एक्सपेंसिव चीज खरीद ली तो उसके पूरे बजट में ही भूकंप आ जाता है। पर वहीं अमीर लोग यह सोचते हैं कि पैसे को ग्रो कैसे किया जाता है। वो लोग इन्वेस्टिंग पर ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि इन्वेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पैसे को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग खर्चा नहीं करते, बिल्कुल खर्चा करते हैं, बल्कि मिडिल क्लास या गरीब लोगों से कई गुना ज्यादा खर्चा करते हैं, परंतु उनकी इनकम भी मिडिल क्लास से कई गुना ज्यादा होती है। उन्होंने अपने आइडियाज द्वारा कई सारे एसेट्स क्रिएट कर लिए होते हैं जिससे उन्हें रेगुलर इनकम होती रहती है। मिडिल क्लास लोग बस अपने खर्चों को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर परेशान होते रहते हैं। वहीं अमीर लोगों को पता होता है कि इन्वेस्टिंग से किस तरह से पैसे से पैसा बनाया जाता है। लेसन नंबर 3, सेफ वर्सेस कैलकुलेटेड रिस्क। ऑथर कहते हैं कि गरीब लोग पैसों को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते,
वह बिल्कुल सेफ खेलते हैं क्योंकि वह बहुत ही डरते हैं। गरीब माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर इन्वेस्टिंग में पैसे डूब गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि बर्बाद तो पहले से ही है, इससे ज़्यादा क्या होगा। वहीं अमीर लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत लॉस ही होगा तो वापस उतना ही पैसा हम कमा भी लेंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस तरीके से पैसे से पैसा बनाया जाता है। क्योंकि यह बात बिल्कुल सच है कि कोई भी इन्वेस्टर या बिजनेसमैन इन्वेस्टिंग में या बिजनेस में कभी ना कभी फेल तो जरूर हुआ होगा, पर वह लोग इससे घबराते नहीं बल्कि अपनी ही गलतियों से वह सीखते रहते हैं और वापस उतना ही पैसा कमा भी लेते हैं। हर एक अमीर आदमी को पता होता है कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे कैलकुलेटेड रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, पर वही मिडिल क्लास माइंडसेट के लोग पहले से ही सोच लेते हैं कि यह काम करना तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। ऐसी सोच की वजह से वो इन्वेस्टिंग और बिजनेस जैसी चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं देते और वो बस एक सिक्योर सैलरी वाली जॉब को करना पसंद करते हैं। लेकिन उन्हें कोई कैसे समझाए कि इस दुनिया में सिक्योरिटी कहीं भी नहीं है। अगर आपके ऑफिस जाते समय एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करोगे? इसके चक्कर में रोड पर चलना छोड़ दोगे? ऐसा सोचोगे तो रिस्क तो हर चीज में है। सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि आपने अर्निंग का सोर्स केवल आपकी नौकरी ही है। अगर किसी रीजन से आपकी नौकरी से निकाल दिया जाता है तो आप रोड पर आ जाओगे क्योंकि आपके पास कोई भी दूसरा इनकम सोर्स नहीं है। वहीं अमीर लोग हमेशा एसेट्स बनाने पर फोकस करते रहते हैं जिससे उनकी इनकम लगातार बढ़ती ही चली जाती है। लेसन नंबर 4, मिडिल क्लास बिलीव्स रिच पीपल और रूथलेस। आप लोगों ने आसपास के लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि अमीर लोग गरीबों का खून चूस चूस कर अमीर हुए हैं या फिर अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। यह सब बातें गरीब माइंडसेट के लोग किया करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से अगर अमीर बनना है तो दूसरे लोगों के पैसे हड़पने होंगे या फिर दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना आप अमीर नहीं बन सकते। दिल को बहलाने का यह ख्याल अच्छा है, इसलिए मिडिल क्लास के लोग अमीर लोगों को निर्दयी समझते हैं और यही सारी बातें हमारे दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाती है। तो अगर आपको भी जल्दी से जल्दी अमीर बनना है तो अमीरों को रिस्पेक्ट की नज़र से देखो और उनकी आदतों और अच्छी हैबिट्स से सीखकर अमीर बनने के रास्ते पर चलना सीखो। लेसन नंबर 5, लॉटरी वर्सेस एक्शन। ऑथर कहते हैं कि गरीब माइंडसेट के लोगों को लॉटरी यानी सट्टेबाजी करना बहुत ही पसंद होता है। उन्हें लगता है कि यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे वह बैठे बैठे अमीर बन सकते हैं और यह काफी हद तक सही भी है। ऐसा नहीं है कि वह काबिल नहीं है, ऐसा इसलिए है कि उन्हें अपने आप पर भरोसा ही नहीं है। वो लोग हमेशा पैसों को लेकर परेशान होते रहते हैं लेकिन कभी भी ज्यादा पैसा कमाने पर फोकस ही नहीं करते क्योंकि बचपन में ही उनके दिमाग में यह डाल दिया जाता है कि अमीर बनने के लिए तुम्हें इलीगल काम करने पड़ेंगे। वहीं अमीर माइंडसेट के लोग अमीर को देखकर इंस्पायर होते हैं और अपने आप पर भरोसा रखते हैं कि वह भी एक ना एक दिन ऐसा ही करेंगे। अगर अमीर को ज़्यादा पैसा बनाना होता है तो वो यह नहीं सोचता है कि यह काम मेरे लिए इम्पॉसिबल है, वह सिर्फ और सिर्फ अपने आइडियाज पर एक्शन लेता है और अमीरी के रास्ते को खुद ही ढूंढ लेता है। जबकि गरीब माइंडसेट के लोग यह सोचते हैं कि एक दिन कोई परी आएगी और उन्हें बहुत सारे पैसे देकर चली जाएगी और जिससे वह रातों रात अमीर बन जाएंगे। वह कभी दूसरे कामों के बारे में सोचता ही नहीं। दूसरी तरफ अमीर लोगों को पता होता है कि कोई भी परी उनकी मदद करने नहीं आने वाली। यहाँ सिर्फ किताबों में ही परी और जल परी आती है, इसलिए वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और अपने गोल को सेट करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं और अपने ड्रीम्स को भी पूरा करते चले जाते हैं। लेसन नंबर 6, फॉर्मल डिग्री वर्सेस स्पेसिफिक नॉलेज। हमें बचपन से ही स्कूल या कॉलेज में सिखाया जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ जिससे बड़े होकर आपको एक अच्छी नौकरी लग जाएगी। मिडिल क्लास लोगों का यह मानना होता है कि फॉर्मल डिग्री से ही अमीर बना जा सकता है, जबकि अमीर लोगों का मानना होता है कि अगर आपको अमीर होना है या फिर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत ही पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बस आपको स्पेसिफिक या फाइनेंशियली नॉलेज होना जरूरी है। बहुत सारे बिजनेसमैन बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि उन्हें अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा नॉलेज होती है। मानता हूँ कि एक डिग्री एक अच्छी जॉब दिला सकती है जिसमें टाइम बराबर मनी होता है, मतलब आप अपनी जॉब में जितना टाइम दोगे बदले में आपको उतना ही पैसा मिलेगा। जबकि किसी भी फील्ड में अगर आपको खासा नॉलेज है तो वह आपको बहुत ही ज्यादा रिच बना सकती है। अमीर लोगों को स्मार्ट तरीके से पैसा कमाना अच्छी तरह से आता है, उन्हें पता है कि लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करके ही अमीर बना जा सकता है, इसलिए वह एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढते हैं जिन्हें आज तक सोल्व ही नहीं किया गया। यह लोग अपनी डिग्री तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि वह सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, फाइनेंशियली वीडियोस देखते हैं, बिल्कुल आपकी तरह अमीरों से रिचनेस के सीक्रेट सीखते हैं और उनकी बताए हुए रास्तों पर चलकर खुद भी अमीर होते चले जाते हैं। और दोस्तों आज के समय में हर एक आदमी के पास फाइनेंशियली नॉलेज का होना बहुत जरूरी है
जिससे आप पैसों के प्रति जागरूक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो से अगर आपको एक सेकंड का भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक यू।